गाइज आफ्टर टू लॉन्ग ईयर्स फोर्थ वॉल इज कंडक्टिंग एंड्रो 2022 जहाँ पर ड्रामा प्लेज होने वाले और मेरे काफ़ी सारे दोस्त उसमें हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो चलो गाइज, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अनअकैडमी स्लाइड सब्सक्रिप्शन। इसकी बात मैंने पिछले वीडियो में भी करी थी और एक बार वापस कर देता हूँ। इन दिस सब्सक्रिप्शन देर आर 3 month, 6 month एंड 18 month कोर्सेज एंड यू गेट देम एट हाई डिस्काउंट यूजिंग माई कोड रथिन RATHIM। In these courses, there are All India Mock Test series for JEE Mains and Advanced. You get questions based on previous years and access to 30,000+ practice questions and in-depth analysis and video solutions too. You get 23 tests for IIT JEE 2022 and 48 for 23. And it obviously depends on the subscription duration you take. So subscribe now for free using my code RATHIN. After that, there is a Super 30 test series for IIT JEE, jisme questions designed by top educators. You get full and final revision for JEE 2022 and every week 50 lucky winners will get surprise gift. तो ये होने वाला है 21st March and 22nd March को at 6 PM in evening and you can enroll now for free. After that एक important चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो है Unacademy's IIT JEE Mega Combat which is on March 27 at 11 morning. You get a chance to win exciting scholarships and rewards and मैं recommend करूँगा कि आप ये बिल्कुल miss ना करें, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें एंड इट विल बी अ लाइव टेस्ट एंड यू विल गेट 21 क्वेश्चंस व्हिच आर सपोज्ड टू बी सॉल्व्ड विद इन 60 मिनट्स। एंड इसको अटेम्प्ट करने का एक और भी रीजन है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको एक अच्छी फीलिंग आ जाती है कि अच्छे टेस्ट कैसे होते हैं। एंड फॉर मोर इन्फो यू कैन कॉल 8585858585। तो ये है पीसी सक्सेना ऑडिटोरियम, ये हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो जस्ट बने अभी, इंक्लूडिंग मी, और वो है स्टेज वहाँ पे प्ले होने वाला है और ये सब टीम है, बहुत मेहनत कर रही है। Hi everyone, I'm Sanya and I'm Iknur and we warmly welcome you बेटा हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है, लाइफ तो तुम बच्चों की है। अरे कहाँ भैया जी, अभी पढ़ाई की टेंशन, अभी ये वो। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड जैसी फ्रेंड है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आप नहीं समझो। बेटा मैं तुम्हें मेरी एक कहानी सुना। भयंकर कहर में ना बाहर जाने की इच्छा करती, अंग्रेजी स्कूल में हुआ था भर्ती। अगले दिन स्कूल बस आई, मैंने दूर से आवाज लगाई, पर ड्राइवर के कान पर जू भी ना रेंगी। पहले ही दिन बस छूटी, खुद पर बड़ी लज्जा आई। हाय हाय में इतनी हाय मचाई, जल्दी से एक रिक्शा रोका। ड्राइवर बोला, कहाँ जाओगे भाई, स्कूल का पता बताकर मैंने की अगुवाई। ऐसे चल रहा था रिक्शा, मानो साधु मांग रहा हो भिक्षा। कभी इधर डोले कभी उधर, गति तो कछुए से भी बदतर। आई राहत, दो सांस भी ना ले पाई, क्योंकि प्रिंसिपल ने थी आवाज लगाई। सर झुकाकर बढ़ रहा था आगे, मानो खुशियां थम सी गई हो। मन बार बार घबरा रहा था, ऐसे जैसे आत्महत्या की घड़ी आ गई हो। इन सब के बाद भी मन में यही चल रहा था, दिमाग आंखों को कोस कोस कर यही कह रहा था, कल से बस को नहीं मुझे बस का इंतजार करना था। प्राचार्य का मुंह बंद हुआ, जैसे गरजते बादल बने धुआं। सॉरी कह मन हल्का किया, कक्षा की ओर प्रस्थान किया। जय का श्री गणेश किया, मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि पहली सीट पर चम मुझे बिठा दिया। पीछे बैठी एक लड़की को
बोलने की बीमारी लगी थी, पूरी क्लास BMW को अकेली फटफटी बनी थी। कमबख्त दिल भी खिलौना बन गया, कमबख्त दिल भी खिलौना बन गया, जब चाबी से चलने लग गया, जब तक उसकी आवाज कानों पर ना पड़ती, लगता दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसकी आवाज थी या तलवार जो दिल के हो गई आर पार, मन को भाने लगी थी वो और दिल को हो गया था प्यार। अब तो दिल करने लगा था पुकार, एक ही बात कह रहा था बार बार, आंखों से कहता अब ना होता इंतजार, चेहरा दिखा दे उसका एक बार। अब क्या था, मन उसे देखने में जुट गया, उसे देखने के लिए कभी पेन तो कभी शार्पनर गिराने लगा, जब भी उसे देखना चाहता कमबख्त कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था और ये दिल आंखों को गालियां सुनाता था। एक किताब उसका चेहरा ढके थी, अब तो उसे देखने की चाहत में आंखें भी ना थकती थी, मन को लगा अब ना देख पाऊंगा इसको। वापस जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, दिल में चालू हो गया डिस्को। सामने नजर आया नूर से चांद का मुखड़ा, ऐसा लग रहा था मानो कांच पद्मावती की सुंदरता को झुटला रहा था, क्योंकि उसमें उसी का चेहरा नजर आ रहा था। पूर्णिमा की रात थी, जैसे फूलों की बहार, खुशियों की सौगात, दिल को प्यार पर विश्वास हो गया क्योंकि किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरी आंखों के सामने हमेशा उसकी ही तस्वीर घूमती रहती थी, मानो वो मेरे दिल दिमाग और मस्तिष्क में डेरा डाल के बैठ गई हो। आंखों की चाहत दिल में उतर गई थी, दिल तड़प रहा था और सांसें रुक गई थी, उसे इजहार करने की बात दिल को सताती थी पर उसके सामने आते ही सांसें रुक जाती थी। जब से उसकी मुस्कान देखी थी, लग रहा था मेरे अंदर जहां भर के आशिक आ गए थे। जब से उसकी मुस्कान देखी थी, लग रहा था मेरे अंदर जहां भर के आशिक आ गए थे। वैसे तो काफी दूरियां थी हमारे बीच, पर लगा मानो करीब आ गए थे। रहता था कि कैसे उसको बयां करूं कि कितना उससे मैं प्यार करता था। हमेशा दिमाग में यही चलता रहता था कि कहीं वो मना तो नहीं कर देगी, कहीं वो हाँ तो नहीं कर देगी, अगर हाँ करेगी तो कैसे रिएक्ट करूंगा। ये सारी दिमागें 24 घंटे दिमाग में घूमती रहती थी। मन में है चाहत तेरी, बस तुझे देखता रहूं, कर रहा हूं कोशिश कब से, आज तुझसे दिल की बात मैं कहूं। ना कटे मेरा एक पल तेरे बिन, पर तेरे संग चलता मैं रहूं, तेरी जिंदगी रोशन करने की खातिर मैं उम्र भर चलता रहूं। अब क्या हुआ, अब हम दोनों मिले, ठीक है, तो फिर अब हमारे दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हुए। अब हमने प्लान बनाया कि हम कहीं बाहर जाके आते हैं। उसको तो अभी तक नहीं पता था कि मैं उससे प्यार करता था, शायद वो बात ये जानती भी हो, बट मुझे लगता था कि उसको नहीं पता है,
तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसको बाहर लेकर चलता हूँ। मन में है चाहत तेरी, बस तुझे देखता रहूं, कर रहा हूं कोशिश कब से, आज तुझसे दिल की बात मैं कहूं, ना कटे मेरा एक पल तेरे बिन, पर तेरे संग चलता मैं रहूं, तेरी जिंदगी रोशन करने की खातिर मैं उम्र भर जलता रहूं। दो साल तक वो मुझे तड़पाती रही, मैं आग के शोलों में तपता रहा, पर इस तड़प में भी राहत थी, क्योंकि इसमें भी उसी की चाहत थी। ये बात दिल में नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी ताकत एवं हिम्मत जुटाकर प्यार का इजहार करना चाहिए। वो इश्क कैफे हाउस में थी, ये सहायता भी उसी की सहेली ने की थी। हिम्मत जुटाकर कैफे हाउस की ओर बढ़ने लगा, कितना प्यार करता हूं उसे आज दूंगा बता। जैसे ही कैफे हाउस पहुंचा, दिल टूट कर बिखर गया, क्योंकि उसने मेरी आंखों के सामने किसी और से प्यार का इजहार किया। दिल के टुकड़े हुए हजार, दिल टूटा था मेरा बीच बाजार, मैं तो इससे बच ना पाया, इसलिए कहता हूं कभी ना करियो प्यार, कभी ना करियो प्यार, कभी ना करियो प्यार। तो गाइस फाइनली एंड्रॉड का इवेंट ख़त्म हो गया एंड इट वाज वेरी फैंटास्टिक, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत करी थी रात रात भर जाग जाग के वो इवेंट के लिए, और फाइनली एग्जीक्यूट करा है और बहुत अच्छे एग्जीक्यूट करा है। और उसके बाद काफ़ी सारे प्लेज हुए थे, बट वो कुछ रीज़न से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया था, इसलिए एक ही प्ले दिखाया अभी तक मैंने, बट आप कंसिडर करो कि बाकी सारे प्लेस भी उसके जैसे ही धमाकेदार थे। हमने भी इसमें काफ़ी मेहनत करी, हमने आखिरी के 10 मिनट में गए, ऑर्गेनाइजर भी बन गए, हमारे 7 बजे का शो था और हम 6:40 को पहुँचे थे, और हमने सोचा कि हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हमने एक आईडी कार्ड ले लिया उनसे और बोला कि हम ऑर्गेनाइजर्स हैं। तो ऐसे चलता रहता है, मतलब हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, हमने भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में काफ़ी मेहनत करी है। सो गाइस ऐसे ही एंथू दिखाते रहो हर चीज़ में और सक्सेस मिलती जाएगी।